बेगूसराय में अवैध संबंध को लेकर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति की तेजधार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी है। जी हां, पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साग गांव की है। बताया जाता है कि साग गांव निवासी 35 वर्षीय ललन शर्मा की पत्नी का गांव के ही नवीन साल से अवैध संबंध था, जिसका विरोध मृतक ललन शर्मा लगातार कर रहा था। इसी से नाराज होकर आरोपी नवीन साह बुधवार की रात जिसका विरोध मृतक ललन शर्मा लगातार कर रहा था। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने ललन शर्मा को शव के गांव से दूर चपड़िया बहियार से बरामद किया है। ललन की हत्या तेज धारदार हथियार से बेरहमी से किया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नवीन शाह को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयोग किए गए तेज धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुफस्सिल थाना के बड़ी साख के अंतर्गत चौपरिया चौर में एक व्यक्ति की दबिया से काटकर हत्या की गई है। हत्या के संबंध में इस बात की जानकारी मिली है कि मृतक की पत्नी का अवैध संबंध एक व्यक्ति से था, जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टिया ये अवैध संबंध के कारण ही हत्या किया हुआ जाना प्रतीत होता है। इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी उसकी भी बरामदगी हो गई है। और वो व्यक्ति जो पैंट शर्ट उस समय पहने हुए था, उसमें काफ़ी खून वून लगा हुआ था, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है। देखिए, ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के पश्चात ही कुछ कहना उचित होगा।